तिरस्त विज्ञापन जारी करो, जारी करो, जारी करो, शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करो, जारी करो, जारी करो, योगी तेरी तानाशाह है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी तेरी तानाशाह है, नहीं चलेगी, छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर, छात्र तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे बुलडोजर न तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे बुलडोजर न तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे पुलिस के बल पे गुंडा करती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे योगी मोदी हाय 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 योगी मोदी हाय। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे दोस्तों आज के हुए रोजगार महाआंदोलन की। आज दोस्तों युवा मंच ने ऐलान किया था कि प्रयागराज में एक बड़ा महाआंदोलन होगा और आज बहुत सारे छात्र यहां पर इकट्ठा हुए थे। अलग अलग भर्तियों के जो छात्र थे वहां पर आए हुए थे, चाहे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के छात्र हों, टीजीटी पीजीटी के छात्र हों, एलडी ग्रेड के छात्र हों या फिर यूपी ट्रिपल एससी के विभिन्न भर्तियों के छात्र हों। तो आज जो संख्या थी वो काफ़ी अच्छी खासी थी और आज छात्रों ने अपनी बात को सरकार तक पहुंचा दिया। साथ ही साथ छात्रों ने ये मांग की है कि वो प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी का दौरा होने वाला है प्रयागराज में और छात्र अपनी समस्याओं को सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बताएंगे और उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी का माहौल है उससे अवगत कराएंगे। देख सकते हैं यूपीएसआई री एग्जाम वाले छात्र आए हुए थे। बीपीएड को जूनियर में 48,000 रिक्त पदों पर भर्ती की मांग अब बहुत ही तेज हो रही है। ये छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरनों में जा रहे हैं, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो ये मांग अब तेज होती जा रही है और क्या आश्वासन दिया गया है प्रधानमंत्री जी से मिलने के संबंध में, ये भी अपडेट मैं आपको दूंगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं तानाशाही बंद करो रोजगार आंदोलन युवा मंच। तो आज जो भीड़ थी वो काफ़ी अच्छी खासी थी। साथ ही साथ आप इसमें देख पाएंगे रजत सिंह को, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। पिछले 12 दिनों से इन अभ्यर्थियों ने लखनऊ में धरना किया हुआ है। लखनऊ का धरना लगातार जारी है और आज ये छात्र लखनऊ से प्रयागराज पहुंचे युवा मंच के इस आंदोलन में और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की ये अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। तो सोच सकते हैं दोस्तों कि छात्र किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं अपनी भर्तियों के लिए, अपने भविष्य के लिए। और छात्रों ने यहाँ पर यह भी क्लियर कर दिया कि यदि सरकार भर्ती नहीं देती है तो वो सीधे सीधे सरकार का विरोध करेंगे और जो भी पार्टी बेरोजगारों की बात करेगी, नई नौकरियों की बात करेगी, युवा उसी के साथ जाएगा। और आज के आंदोलन का सार ये हुआ कि युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह जी की वार्ता हुई प्रशासन से और प्रधानमंत्री जी से मिलने पर ये छात्र अड़े हुए हैं। ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है युवा मंच के द्वारा, जिसमें लिखा गया है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए अड़े युवा। पीएमओ के अधिकारियों से वार्ता के बाद युवाओं की प्रधानमंत्री से मुलाकात के संबंध में प्रशासन कल 12 बजे तक स्थिति स्पष्ट करेगा। 28 दिसंबर को लखनऊ में महापंचायत का ऐलान भी किया गया है और कल 3 बजे ईश्वर डिग्री कॉलेज के सामने अंबेडकर पार्क में छात्रों ने आम सभा बुलाई है और इसमें यही सब चीज़ों पर डिस्कशन होगा और मांग होगी कि प्रधानमंत्री जी से इन छात्रों को मिलवाया जाए। तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में 5 लाख रिक्त पद हैं, सभी पदों को भरने की मांग ये छात्र कर रहे हैं। और आज के आंदोलन की जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने आपको बताया ही। बालसन चौराहे पर प्रयागराज में ये आंदोलन हो रहा है। 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, 27,000 टीजीटी पीजीटी की भर्ती और तदक्ष शिक्षक जो हैं टीजीटी पीजीटी में 30,400, इन पदों पर भी नई भर्ती। एलटी ग्रेड के 12,000 पदों पर भर्ती, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बीपीएड के 48,000 पदों पर भर्ती, लेखपाल समेत समूह ग के 50,000 पदों पर भर्ती। तो पद बहुत ज़्यादा रिक्त हैं, ऐलान भी सरकार लगातार कर रही है लेकिन भर्तियां देखने को नहीं मिल रही हैं। आज एक खंड शिक्षा अधिकारी का एक नोटिस मिला है हमें, मैंने एक वीडियो भी इस पर बनाया कि रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है। तो क्या खाली रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा जाएगा और भर्तियां सिर्फ न्यूज़पेपर में ही आएंगी? क्या ज़मीन पर भर्तियां देखने को नहीं मिलेंगी? यही सब सवाल हैं छात्रों के और इसी वजह से कल पीएमओ द्वारा प्रधानमंत्री से मुलाकात के संबंध में जो भी निर्णय लिया जाएगा उस संबंध में आगे की रणनीति कल 3 बजे ईश्वर डिग्री कॉलेज के सामने अंबेडकर पार्क में आम सभा में डिसाइड होगा। युवा मंच पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री के विरोध का फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं है लेकिन अगर पीएमओ से मुलाकात करने से इनकार कर देते हैं तो आगे वो रणनीति बनाएंगे। प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया है कि वो पीएमओ के अधिकारियों से बात करने के बाद छात्रों को अपडेट करेंगे कि मुलाकात हो पाएगी
या नहीं हो पाएगी। फिलहाल छात्रों ने अपनी बात को तो सरकार तक पहुंचा ही दिया है, देखना होगा सरकार इसमें कितना जल्दी एक्शन लेती है और उनकी तरफ से क्या कुछ बयान देखने को मिलता है। पद तो काफ़ी ज़्यादा रिक्त हैं उत्तर प्रदेश में और मांग हो रही है नई भर्ती की। साथ ही साथ आप रजत सिंह का ये वीडियो जरूर देखिए। हम सब इस समय प्रयागराज की धरती पर हैं और हम सबका मुद्दा है 23 दिसंबर इको गार्डन लखनऊ चलो, जिसके लिए हम सब प्रयागराज के एक दिवसीय यात्रा पर सभी साथियों को सक्रिय करने के लिए, आगाह करने के लिए यहाँ पर उपस्थित थे। हम सभी साथियों से प्रयागराज के और उत्तर प्रदेश के तमाम कोचिंग संस्थानों से निवेदन करते हैं कि आप सब 23 दिसंबर को अपनी कोचिंग संस्थानों को बंद करके अपने बच्चे अपने साथियों को लेकर के हर हाल में लखनऊ इको गार्डन धरने पर पहुंचे, जिससे प्रदेश सरकार से 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की लड़ाई को जीता जा सके और हर हाल में आचार संहिता से पहले विज्ञापन को जारी करा जा सके। धन्यवाद। 23 दिसंबर को दोस्तों नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए इको गार्डन में लखनऊ में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा और 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग की जाएगी। लगातार अनवरत धरना तो जारी है, लेकिन 23 दिसंबर का जो धरना होगा एक बड़ा धरना होगा। पूरे प्रदेश से छात्रों को बुलाया जा रहा है, चाहे वो प्रयागराज हो, लखनऊ हो, विभिन्न कोचिंग संस्थानों से सपोर्ट मांगा जा रहा है और हमारे चैनल की तरफ से हमेशा से छात्रों का सपोर्ट रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस मैसेज को हर जगह फैलाइए। 23 दिसंबर को 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एक बड़ा आंदोलन होगा और इसको लेकर छात्र संघर्ष कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।